हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप सब मस्त होंगे। मैं हूं नीरज, स्वागत है आपका अपने चैनल पे। सो गाइस, अभी मैं हूं अपने प्याज के खेत में खड़ा। आज हम करेंगे प्याज की हार्वेस्टिंग। सो गाइस, आधे प्याज की खुदाई तो हम पहले ही कर चुके हैं, ये आप देख सकते हैं, ये पूरा खुदाई हो चुका है। इसमें प्याज हम निकाल चुके हैं, अभी ये आधा बचा हुआ है। और ये देख सकते हैं हमारे औजार जिनसे हम खुदाई करेंगे। अभी दो यहाँ पर भी हैं, छोटे से कुटले, और एक यहाँ देख सकते हो आप। अभी इसे खोदना ज़रूरी इसलिए हो गया गाइज, अभी लगातार यहाँ पर बारिश हो रही है तो ये प्याज सड़ने का डर रहता है, इसलिए हमें खोदना पड़ रहा है इसे। अभी अगर हम इसे अभी नहीं खोदेंगे तो इसमें सड़न होनी स्टार्ट हो जाएगी। हमें प्याज खोदते वक्त काफ़ी सावधानी बरतनी पड़ती है, नहीं तो ये भी हो सकता है, आप देख सकते हैं। तो ये खोदते वक्त लगा हुआ है हमारे औजारों से इसमें। तो ये तो अभी ताज़ा है, और ये दूसरा आप देख सकते हैं, ये कुछ दिन पहले ही हुआ था तो इसमें थोड़ी सड़न आनी स्टार्ट हो गई है। तो इसे हम जो है आज ही यूज़ कर लेंगे, नहीं तो ये इसमें भी सड़न आनी स्टार्ट हो जाएगी। गाइज, अभी कर चुका हूँ मैं काम कंप्लीट अपना, और एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। ये ऊपर के जो आप खेत देख रहे हैं, ये मेरे ताऊ जी के खेत हैं। सो इसमें जो आप ये देख रहे हैं, ये है गोभी। तो इसे गोभी अभी बीरना बोला जाता है इसको। सो जब ये इसके दुगने बड़े हो जाएंगे तब इन्हें फिर मेन खेतों में लगाया जाएगा। और यहाँ पर जो है मिर्ची लगाई जा रही है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो हैं हमारे, ये खुशहालदा हैं, ये हमारे काफ़ी पुराने वर्कर हैं यहाँ के। तो खुशहालदा, कुछ कहना चाहोगे मेरे दर्शकों से? दर्शकों से क्या कहना चाहते हैं बताइए आप। तो इतना तो कह दो, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। इधर तो देखो, सब्सक्राइब क्या कहना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। तो यार, अभी मैं घर जाके वापस आया हूँ, क्योंकि मुझे इस प्याज को रखने के लिए कोई थैला चाहिए था, तो इसको लेने मैं गया था। सो अभी इसको इसमें भरते हैं। तो गाइस, ये देखिए, काफ़ी अच्छे हुए हैं इस बार प्याज, काफ़ी बड़े बड़े हो रखे हैं। पिछले साल इसी साइज़ के हुए थे, इससे ज़्यादा बड़े नहीं हो पाए। तो ये हमारा थैला है, इसमें हम भरेंगे। और इसके जो है जड़ से मैंने अच्छी तरह से मिट्टी निकाल ली है,
जैसे कि आप देख रहे होंगे, देख सकते हैं फिर भी थोड़ा बहुत इसमें रह गया है अभी। अब ये जब सूखेगा थोड़ा उसके बाद फिर ये अपने आप निकल जाएगा इसमें से। तो गाइस थैला मेरा भर चुका है प्याज से, आप देख सकते हैं। तो इसको अभी मैं घर ले जाऊंगा। सो गाइस यह है पहाड़ों की लाइफ। तो यार इस वीडियो को मैं अब कल कंटिन्यू करूंगा क्योंकि अभी शाम के 6:30 बज चुके हैं। तो मिलते हैं अब कल। सो गाइस स्वागत है आपका दूसरे दिन। तो यार कल जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि शाम हो गई थी खेत में ही, और जो प्याज हम लोग खेत से लेके आए हैं घर में उसके आगे का प्रोसेस जो है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे होंगे गाइस, ये आपको छत दिख रही होगी और बिल्कुल छत ही है। तो इससे लगते हुए जो ये लकड़ियाँ हैं इसमें हमने एक मोटी सी रस्सी बांध दी है जिसमें कि हमने ये प्याज लटकाए हुए हैं ताकि ये गिरे ना। यार ये प्याज लटकाने का रीज़न ये रहता है कि इसे सुखाना होता है, करीब करीब 1 महीने तक हम लोग इसे अच्छी तरह से सुखाएंगे ताकि ये सूख जाए। अगर हमने इसको ऐसे ही अभी कच्चे में बोरे में रख दिया तो इसमें सड़न आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं, और ये है रस्सी जो मोटी वाली है, इससे हमने बांधा हुआ इसे। और इसमें आप लोग को ये दिख रहा होगा ये गुच्छे जैसे लग रहे होंगे सब, और ये बिल्कुल गुच्छे में ही हैं सब। जैसे ये एक गुच्छा है, इसमें करीब 8 या 10 प्याज होंगे, और ये डोरी से हमने इसमें बांधा हुआ है मजबूती से ताकि ये गिरे ना। तो इस तरह से यहाँ पर इसे सुखाया जाता है। सो गाइस यह है पहाड़ों का जीवन जो मैं आप लोगों को दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश आगे भी जारी रहेगी क्योंकि आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मुझे काफ़ी मिल रहा है। तो यार मैं भी इन चीज़ों से मोटिवेट होता हूँ तो और ज़्यादा काम करने का मन करता है। तो अभी के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।